नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? लिजर्ड मैन एस्केप के नए वीडियो में मैं आपके तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। ओए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैंने सबको शाउट आउट दिया है, इसीलिए अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए ना तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, देखिए हमारा पहला मिशन क्या कहता है। भैया ये कौन है? ओए मना, ये एक हॉस्पिटल में कोई खुफिया लैब चल रही है जहाँ पर लोगों को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट द्वारा लिजार्ड मैन बनाया जा रहा है। भैया ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओए मना, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये मानवता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हाँ भैया, हमें कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। नतीजा देख रहे हैं दोस्तों, कैसे एक अच्छा खासा इंसान लिजर्ड मैन बन गया। ओए मना, अब तो ये हॉस्पिटल में तबाही मचा देगा। हाँ भैया, देखिए ना ये तीन बच्चे इस हॉस्पिटल के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये लड़की लगता है नहीं मानेगी, हॉस्पिटल के अंदर जाएगी। इसका दोस्त इसे मना भी कर रहा है। ये क्या हुआ? ओए मना, लिजार्ड मैन ने इसे अपनी तरफ खींच लिया, अब हमें लड़की को बचाना होगा। हाँ भैया, हमें उसके दोस्त का रोल अदा करना है। तो चलिए भैया, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा, तो देर किस बात की, आइए। ओए मना, ये दरवाजा तो बंद है, अब हम हॉस्पिटल के अंदर कैसे जाएंगे? भैया दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, तभी हम अंदर जा पाएंगे। लेकिन गाय, आगे जाना होगा, और भी देखता हूँ आगे बढ़ के, शायद कहीं रास्ता दिखे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, क्यों ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, अच्छे खासे इंसान को चिपकली बनाते हैं, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। भाई मना, पैसे के लालच में लोग ऐसा कर रहे हैं, सब पागल हो गए हैं। इस दुनिया का अब कुछ नहीं हो सकता, तू बस लड़की को बचाने में ध्यान दे। हाँ भैया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है देखता हूँ। क्या है यहाँ पे? एक हुक। शायद भैया हम इससे ऊपर चढ़ पाए दीवार होकर। चलिए भैया, क्लाइंब अप हियर, मुझे ऊपर छत में इसे फंसाना होगा। ये फंसाया और मैं चढ़ने लगा छत पर। क्या बात है भैया, देखिए हम दोनों दीवार चढ़ रहे हैं और आ गए हैं हम दोनों छत पर, और हमें जाना होगा बिल्कुल नीचे। सामने है सीढ़ियों का दरवाजा और हमको लेके जाएगा नीचे जहाँ पे है लिजर्ड मैन। आइए भैया, ये दरवाजा बंद है। ओए मना, नीचे चल। हाँ भैया, यही है वो दरवाजा जहाँ हमें अंदर जाना है। ओए मना, ये देख, लिजर्ड मैन ने लड़की को कैद कर लिया है। हाँ भैया, पर शुक्र है कि वो कम से कम जिंदा ही तो है। और देखिए ना भैया, और भी लोग हैं जो इस हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, हमें सबको बचाना होगा। ओए मना, तो देर किस बात की है, हम सबको बचाएंगे। पहले एक काम कर, अंदर चल और छिप के रहना, वरना लिजर्ड मैन हमारी भी छुट्टी कर देगा। हाँ भैया, देखिए ना ये छोटे छोटे लिजर्ड मैन उसके चमचे हैं। ओए मुन्ना, ये छोटे वाले लिजार्ड मैन क्या करते हैं? भैया ये हमें हानि तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये बड़े वाले लिजार्ड मैन को सिग्नल भेजते हैं और वो हमें मार सकता है, इसलिए हमें उन सब से दूरी बना के रहनी होगी। ओए मुन्ना, तो देर किस बात की है, हम सब इन सब से दूरी रहेंगे और छुप छुप के अपने सारे काम करेंगे और इनके सामने नहीं जाएंगे। हाँ भैया, इनके सामने या इनके आसपास भी हमको जाना नहीं है। देखिए ना लिजर्ड मैन कैसे घूम रहा है। ओए मुन्ना, अब हमें क्या करना है? भैया पता नहीं वो लड़की कहाँ है जहाँ इसको कैद किया गया है लिजर्ड मैन के द्वारा। लेकिन देखिए ना, ये तीनों छोटे छोटे लिजर्ड मैन क्या कर रहे थे? ओए मुन्ना, पता नहीं, वो शायद खेल रहे थे। हाँ भैया, तो भैया हमें कहा गया है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट की कार्ड खोजनी है। ये रही लिफ्ट, लेकिन इसकी कार्ड मिलेगी कहाँ मुझको, ये है नहीं पता। ओए मुन्ना, मिल जाएगी। हाँ भैया,
कोशिश कर रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं तो वो कार्ड अवश्य ही होगा जो हमें लिफ्ट को खोलने में मदद करेगा, लेकिन वो छोटे वाले लिजर्ड मैन कहाँ है? ओए मुन्ना, मुझे लगता है कि एक सामने से आ रहा है, ये देख इसके पैर से रोशनी निकल रही है। हाँ भैया, लेकिन इस रोशनी को आप भूल के भी कमजोर मत समझना, क्योंकि अगर आप इस रोशनी में जाए तो ये पीले रंग की दिखने वाली रोशनी लाल हो जाएगी, यानी सायरन बजेगा और बड़ा वाला क्या कहते हैं उसको लिजर्ड मैन का पापा चला आएगा और हमारी छुट्टी कर देगा, इसलिए हमें बच के रहनी होगी। तो चलिए भैया, हम पीछे पीछे जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। हमें मिली है एक चाबी, पता नहीं किस कमरे की है चाबी, पर जो भी हो, जो भी कमरा खुले हम उसे खोलेंगे। ओए मुन्ना, ये देख सामने से आ रहा है वो। है भैया, वो हमें नहीं देख पाएगा क्योंकि हम है उससे दूर, बस इतना जान लीजिए कि उसके करीब नहीं जाना है। तो चलिए भैया, हमें उधर ही जाना है, लगाई दौड़ और दौड़ के जाऊंगा, और भी आगे जाना है मुझको, कोई मेरे सामने ना आना वरना चूर चूर हो जाओगे। ओए मुन्ना, ये देख ये ताला खोल। हाँ भैया, ये इसी कमरे की चाबी थी, अंदर जाऊंगा भैया, देखता हूँ क्या है। भैया, यहाँ पे है कुछ। ओए मुन्ना, ये तो लिफ्ट का कार्ड है। हाँ भैया, यानी आप हम और सब कोई लिफ्ट का दरवाजा खोल पाएंगे। ओए मुन्ना, तो देर किस बात की है, चल सभी दोस्तों को लेकर लिफ्ट के अंदर चलते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। भैया, इसलिए तो मैंने बोला कि हम सब अब लिफ्ट खोल सकते हैं। ये खोला दरवाजा और लिफ्ट के अंदर हूँ। ओए मुन्ना, लिफ्ट हमें अब फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी, जहाँ जाने के लिए हमसे कहा गया था। भैया, अब देखते हैं अगला लेवल हमें क्या निर्देश देता है। ओए मुन्ना, दिल थाम के बैठ, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ भैया, देखिए भैया, हमारा अगला मिशन शुरू हो चुका है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ओए मुन्ना, होना क्या है, जो करने को कहा जाएगा हम वो कर देंगे। ये देख, ये लिजर्ड मैन पागल हो रहा है, मुझे लगता है कि इसी कमरे के पीछे वह छोटी लड़की कैद है और हमें उसे बचाना होगा। भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो देर किस बात की है, आइए चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, हमारा चैनल है नया और हमें है आपके सपोर्ट की ज़रूरत, क्योंकि ऑलमोस्ट 86% लोग वो है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे हमारा नंबर निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ठोकिए। देखिए, सामने से आ रहा है छोटा वाला लिजार्ड, पर वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा और मैं घुस जाऊंगा इस कमरे के अंदर। ओए मुन्ना, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है 42। हाँ भैया, इस 42 नंबर कोड को आप याद कीजिए, क्योंकि ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है। लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, बाहर घूम रहे हैं लिजर्ड मैन के छोटे वाले बच्चे, कहीं वो हमारे सामने ना आ जाए। ओए मुन्ना, सामने आते ही वो सायरन बजा देंगे। हाँ भैया, इसीलिए तो डर लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पीछे पीछे जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा वाला लिजर्ड मैन, चलो जाओ सामने से। ओए मुन्ना, वो चला गया, तू जल्दी से पतली गली पकड़ और भाग यहाँ से। हाँ भैया, ये जो 42 कोड मिला है, मुझे देखना होगा कि वो कोड मुझको कहाँ डालना है। यहाँ पे इतने सारे दरवाजे हैं, पता नहीं किस दरवाजे पे लगी है वो मशीन जिसे हमें कोड से खोलना है। ओए मुन्ना, ये तो देख। हाँ भैया, मुझे लगता है कि सामने वाले दरवाजे पे ही ये कोड लगा हुआ है, लेकिन सामने एक छोटा वाला लिजर्ड मैन आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। ओए मुन्ना, जब वो पलट के वापस जाएगा ना, तब हम कोड से वो दरवाज़ा खोलेंगे। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, देखिए ना वो जा रहा था, अभी डालता हूँ कोड 42। इंटर किया, खुल गया, अंदर जाऊँगा, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा मुझको। यहाँ पे कुछ पेपर में लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ, सामने तो आओ। ओए मुन्ना, यहाँ पे हमें कोड मिली है, लिखी हुई है 921। इसका क्या मतलब है? भैया, मुझे लगता है कि वो लड़की जिस कमरे में कैद है ना, उस कमरे के बाहर भी कोड लगा हुआ है, उसका पासवर्ड है ये 921। तो हमें पासवर्ड पता चल गई है भैया, अब हम वापस लिफ्ट पकड़ के उसी फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे बच्ची कैद है।
तो देर किस बात की है, मैं भी उसे बचाने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। मैं इस लिजर्डमैन को नहीं छोड़ूंगा। भैया लिजर्डमैन की क्या गलती है, ये तो बस इंसानों से बदला ले रहा है। ये भी तो अच्छा खासा ही इंसान हुआ करता था, लेकिन लोगों ने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए एक्सपेरिमेंट करके उसे इंसान से ऐसा वैसी दरिंदा बना दिया। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। ओए मुन्ना, मैं भी इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। देख, हम आ गए हैं उसी फ्लोर पे जहाँ पे वो बच्ची कैद है, और साथ में इतने सारे लोग भी कैद हैं। हमें सबको बचाना होगा। हाँ भैया, तो चलिए सबसे पहले वो लड़की का कमरा खोलता हूँ जिसका पासवर्ड हमको मिला था। और मुझे लगता है कि यही है वो कमरा जिसके आस पास ये लिजर्ड मैन चक्कर लगा रहा है। ओए मुन्ना, तो देर किस बात की है, चल जल्दी से चल के पासवर्ड डाल। हाँ भैया, अभी डालूंगा पासवर्ड, इंटर करूंगा 921। ये देखिए, इंटर किया, खुल गया। अंदर जाऊंगा भैया, यहाँ पे है वो लड़की जिसे हमें बचाना है। ओए लड़की, अब टेंशन मत ले, हम तुझे बचाने आए हैं। ओए मुन्ना, इसे तो लिजर्ड मैन ने बमों से बांध रखा है। हाँ भैया, इसे तो पासवर्ड डाल के ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ओए मुन्ना, अगर गलत पासवर्ड डाला ना तो लड़की फट जाएगी और हम भी मर जाएंगे। ए भैया, अब हम इसे कैसे बचाएंगे, ये तो काफ़ी समस्या वाली बात हुई। ओए मुन्ना, लड़की बता रही है कि इस बम का पासवर्ड एक कमरे में कैद है, और उस कमरे की चाबी लिजर्ड मैन के पॉकेट में होती है। हमें पॉकेट से वो चाबी निकालनी होगी। भैया ये तो और भी खतरनाक काम है, पता नहीं लिजर्ड मैन के जेब से हम वो चाबी कैसे निकालेंगे। हम उसके आसपास भी गए तो वो हमारी छुट्टी कर देगा। देखिए, एक साइंटिस्ट हम मदद मांग रहा है। ओए मुन्ना, लिजर्ड मैन ने तो उसे खा लिया। हाँ भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, सुना है ना आपने, बुरा करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। लिजर्ड मैन पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ओए मुन्ना, बाकी लोग तो बच गए, अब सिर्फ लड़की बची है। हाँ भैया, बाकी लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और भाग गए, हमें भी मौके का फ़ायदा उठाना है, चाबी निकालनी है। ओए मुन्ना जल्दी करो, पलटने वाला है। ए भैया, चाबी नहीं निकल रही है, मुझे आपको भागना होगा। है बच गया भाई, बाप रे बाप, भाग भाग बच गया। अभी लिजर्ड मैन मुझको टपका देता। भैया, ओए मुन्ना, तुझसे गलती हो गई, अब दोबारा मौका मिलेगा ना तो उसे गंवाना मत, चाबी निकाल लेना। हाँ भैया, अब मैं चाबी किसी भी कीमत में निकालूंगा। अच्छा लिजर्ड मैन, तेरी जेब मैं मारूंगा और चाबी निकालूंगा, क्योंकि मुझको बचाना है लड़की को। ये निकाल ली चाबी, क्या बात है भैया। चलिए भैया, जल्दी से जाके वो कमरा खोलता हूँ जहाँ पे है बम का पासवर्ड, जिसको डाल के हम बम को डिफ्यूज कर सकते हैं और लड़की को बचा सकते हैं। अरे मुन्ना, यहाँ रुक क्यों गया तू? भैया, यहाँ सामने से एक छोटा वाला लिजर्ड मैन आ रहा है, और अगर वो सामने आ जाए तो हमारा गेम ओवर। देखिए, इसीलिए मैं रुका हुआ था। अब यहाँ इसे खोलूँगा ताले को और अंदर जाऊँगा भैया, और यहाँ पे मिलेगी मुझको, देखिए, बम डिफ्यूज करने के लिए पासवर्ड। तो चलिए भैया, जल्दी से लड़की के कमरे में चलता हूँ और बम को डिफ्यूज करके उसको बचाता हूँ। ओए मुन्ना, वो छोटा वाला आ चुका है। भैया, वो हमें नहीं देख पाएगा, यही है मौका जल्दी से लड़की के कमरे में जाने का। ये आ गया कमरे में मैं। अब भैया, अब है काफ़ी नाजुक समय, जैसा डिस्प्ले पे हमें बटन दिखाई देगा वही बटन हमें जल्दी जल्दी दबाना है। अगर गलती दबा तो फेल हो जाएगा सब कुछ और लड़की ख़त्म हो जाएगी। ओए मुन्ना, तूने तो कमाल कर दिया, तूने बिल्कुल सही पासवर्ड डाला। हाँ भैया, मैंने बिल्कुल सही पासवर्ड डाला। और ये कहाँ से आ गया भैया? ओए मुन्ना, लड़की को बचाने आए थे, अपनी जान के लेने के देने पड़ गए। हाँ भैया, अब आने वाले चैप्टर 2 में हमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल का वीडियो यहीं तक, तो अब है समय शाउट आउट देने का। तो दोस्तों, दिल थाम के रहिए। ओए दोस्तों, पहला शाउट आउट इमरान बैड जोकर वाईटी, दूसरा प्रभु लाफ्टर हाउस, तीसरा मोबिन प्रधान, और चौथा रश्मि सुजीत, और पांचवा डेन रेटिंग को जाता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।